दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बन रही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग सुरंग की दोनों छोर एक दूसरे के साथ जुड़ गए। रोहतांग सुरंग 8.8 किलोमीटर लंबी है तथा इस सुरंग को समुद्र तल से 13,300 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस सुरंग का कार्य 28 जून 2010 में बीआरओ द्वारा शुरू किया गया था। यह सुरंग श्रीनगर कारगिल व लेह राजमार्ग के लिए वैकल्पिक संपर्क की दिशा में एक कदम है। सुरंग के छोर जुड़ते ही लाहौल स्पीति के बुजुर्गों की उम्मीद जिंदा हो उठी है। रोहतांग सुरंग द्वारा कुल्लू अब लाहौल से छूट गया है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी रोहतांग सुरंग देश की आधुनिक सुरंग बनी है। सुरंग 2019 तक देश को समर्पित कर दी जाएगी, लेकिन दोनों छोर नॉर्थ और साउथ पोर्टल के जुड़ जाने से इस साल पैदल आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। बीआरओ की माने तो रक्षा मंत्री 24 अक्टूबर को विधिवत रूप से सुरंग के दोनों छोर जुड़ने की घोषणा करेंगी। बीआरओ के अधिकारियों ने हालांकि दोनों छोर जुड़ने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रोहतांग सुरंग के कर्मियों ने दोनों छोर मिलने की बात कही है। शाम 6:38 पर रोहतांग सुरंग के दोनों छोर जोड़ दिए गए हैं। बीआरओ रोहतांग सुरंग परियोजना के चीफ इंजीनियर कर्नल नीलेश चंद्र राणा ने लोगों से आग्रह किया है कि वे जल्दबाजी में भावुक न हो। उन्होंने कहा कि बीआरओ अपना काम कर रहा है तथा शीघ्र ही विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। रोहतांग सुरंग बनते ही न केवल लेह लद्दाख की सीमा पर बैठे देश के प्रहरियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा, बल्कि लाहौल की दूरी भी 48 किलोमीटर कम हो जाएगी। 28 जून 2010 को जब यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रोहतांग सुरंग का शिलान्यास किया था तो इसका बजट 1500 करोड़ रुपए था और लक्ष्य 2015 रखा गया था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों और हालात के चलते रोहतांग सुरंग समय पर तैयार नहीं हो पाई और समय अवधि बढ़ने के साथ साथ बजट भी 1500 करोड़ से 4000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।